नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल मध्य प्रदेश में जहरीली शराब की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए शिवराज सरकार ने आबकारी अधिनियम में सजा के प्रावधानों को कठोर करने का निर्णय लिया है। इसके लिए विधानसभा के 9 अगस्त से प्रस्तावित मानसून सत्र में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 प्रस्तुत किया जाएगा। राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट बैठक में संशोधन विधेयक के रूप का अनुमोदन किया गया। इसमें जहरीली शराब से मृत्यु होने की स्थिति में आरोपित को मृत्यु दंड तक की सजा हो सकेगी। जुर्माने की राशि को भी 25 लाख रुपए किया गया है। अवैध शराब को पकड़ने के लिए जाने वाले आबकारी अमले या अन्य जांच दल पर हमला करने के मामले में अब 3 साल तक की सजा हो सकेगी। इससे यह अपराध गैर जमानती हो जाएगा। जहरीली शराब के काम में अगर कोई लगा है तो भयंकरतम अपराध है और ऐसे लोगों को आजीवन कारावास या फांसी की सजा मिले। ये विधेयक हम लाएंगे विधानसभा में, आज कैबिनेट ने इसको पारित किया है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।